चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रितेश तिवारी ने चंद्रपुर आरटीओ किरण मोरे के खिलाफ नागपुर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बजरंग खरमाटे को शिकायत कर निवेदन द्वारा आरटीओ मोरे के कार्यों की जांच की मांग की। चंद्रपुर के उपक्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय का कार्यभार संभालने के बाद किरण मोरे ने दलालों की मदद से अवैध गतिविधियां शुरू कर दी है। आरटीओ कार्यालय में दलालों के पास जाकर ही काम होता है, ऐसी कई शिकायतें हैं। इस कारण चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामू तिवारी ने आरटीओ मोरे के कार्य की जांच की मांग की। इस संबंध में नागपुर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बजरंग खरमाटे को निवेदन दिया गया। चंद्रपुर आरटीओ कार्यालय का कार्यभार हमेशा से ही संदेहास्पद रहा है, यह आज तक का इतिहास है। इस जिले में सैकड़ों छोटे और बड़े उद्योग हैं। कच्चे माल का आयात निर्यात जिले से बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए जिले से जाने वाले वाहनों की संख्या अधिक है। इसके अलावा यह जिला तेलंगाना राज्य की सीमा से लगा हुआ है, जिले से दूसरे राज्यों के वाहन भी बड़ी संख्या में दौड़ते हैं, इसलिए चंद्रपुर उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। यहाँ हमेशा छोटे और बड़े वाहनों पर काम करने के लिए आने वाले सैकड़ों लोगों की भीड़ कार्यालय में लगी रहती है। नियमों के अनुसार काम करने वालों को कई चक्कर काटने पड़ते हैं, जबकि अगर वही काम दलालों के माध्यम से किया जाता है तो यह कुछ घंटों में ही पूरा हो जाएगा, ऐसा यहाँ आने वाले नागरिकों का कहना है। इसलिए यहाँ के दलालों और अधिकारियों की दोस्ती छिपी नहीं है। जिले में इस कार्यालय अंतर्गत शुरू चेक पोस्ट से वाहन चालकों की ओर से बड़ी लूट शुरू है, इसे लेकर कई शिकायतें हैं। यहाँ के अधिकारियों के उत्पीड़न के कारण कई लोग पीड़ित है। खास तौर पर ट्रांसपोर्ट व्यवसायों की ओर से वसूली करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किए जाने की चर्चा है। उपक्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मोरे के आने के बाद कार्यालय कुप्रबंधन का अड्डा बन गया है। इस कार्यालय के अंतर्गत बिना किसी मंजूरी के निजी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, इसलिए यहाँ के अधिकारियों के कार्यों की जांच होनी चाहिए और अधिकारियों की संपत्ति की जांच की भी मांग निवेदन द्वारा की गई। इसी में रामू तिवारी के साथ चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पप्पू सिद्दीकी, किसान सेल के जिलाध्यक्ष भालचंद्र दानव भी मौजूद थे। तो आइए जानते हैं इस संबंध में रामू तिवारी ने आगे और क्या। 6 महीने से चंद्रपुर आरटीओ में जो आम जनता को जो तकलीफ हो रही है उसके बारे में हमने इसके पहले भी वहाँ के आरटीओ को हमने कंप्लेंट किया कि जो चंद्रपुर आरटीओ में जो दलालों के माध्यम से जो आज आम जनता को जब तक कोई दलाल से मिलेगी नहीं जब तक कोई हमारा काम नहीं होते, आम जनता को काम नहीं होते। बार हमने कंप्लेंट करने के बाद में भी आरटीओ जो हमारे यहाँ के मोरे साहब है या मिश्राम साहब है वो उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो आज हमने चंद्रपुर नागपुर में जो आरटीओ है प्रादेशिक परिवहन विभाग के उनको हमने कंप्लेंट की है कि आपके माध्यम से चंद्रपुर की जनता को थोड़ा सा राहत दीजिए, क्योंकि आम पब्लिक आम जनता इतने परेशान है। एक सादा अगर लाइसेंस बनाना है तो 2,000-5,000 के बगैर दलाल के बगैर को लाइसेंस नहीं बनता है। अगर गाड़ी की ट्रकों की पासिंग करना है तो पैसे के बगैर काम नहीं होता, हर चीज़ के लिए पैसा होना है इनको। तो इसीलिए आज हमने माननीय बजरंग खरमाटे साहब को निवेदन देके हमने मांग की है कि आप ये चंद्रपुर आरटीओ का भ्रष्टाचार कम करें, नहीं तो हम आने वाले दिनों में मुंबई कमिश्नर को भी हम मिलकर बात करेंगे।